देखने फरीदाना का ब्लॉग है। कैसे हैं आप सर? अभी बज रहा है 7:15 और हम लोग अभी उठे हैं। ये गए फ्रेश होकर, मैं जा रही हूँ। अभी दरवाज़ा भी नहीं खुला है और इनको थोड़ा मतलब 8:30 तक जाना है, तो चलो मैं दरवाज़ा खोलती, बच्चों को भी उठाती हूँ। नाश्ता बनाना है, नाश्ते में आलू नहीं सॉरी साबुदाना भिगाए थे हमने, क्योंकि हम लोगों को भी निकलना है, तो सब्जी रोटी वगैरह नहीं बनाना, एक ही चीज़ बनाना, चाय बनाती हूँ, साबुदाना बनाती हूँ। 8 बजे तक के उनको नाश्ता करके रेडी होना है, तो चलिए तैयार हो जाते हैं। देखो मेरा माँ हम राउंड मारने लगा, यहाँ मैं दवाई खाने लगी हूँ की। तो ये देखिए हमारी चाय पक रही है और उधर उनकी चाय पक चुकी है। यहाँ मैंने बनाया है साबुदाना, बन चुका है, खा रहे हैं। और अब मैं भी जा रही हूँ, चाय अम्मी को फीकी दूंगी इसमें से, फिर मेरे लिए निकालूंगी। तो चलिए, यहाँ किचन बर्तन जमाने के पड़े हैं, बर्तन धोने के पड़े हैं, चलिए फिर जल्दी काम करते हैं नाश्ता करके। तो हाय फ्रेंड्स, मैं पहुंच गई हूँ मम्मी के घर और ये है मुस्कान। और यहाँ मेरे सामने मैं बोलते बोलते रुक गई, तो मेरी बेटियां बैठी है, पर मैं दिखाऊंगी नहीं उन लोगों को अभी, शाम में दिखाऊंगी उन दोनों को। अभी आप लोग मेरे को और मुस्कान को देखो। तो ये मुस्कान है ना, मम्मी के घर पे रहती है रेंट पे, अभी भी आए इन लोग और अब कुछ दिन के मेहमान है। देखो कितने दिन इस घर में रहेंगे, तो इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ एक हफ्ता रहने के लिए। और यहाँ का आपको रोज व्लॉग मिलेगा, अभी रोज का मतलब एक हफ्ते का रूटीन आपको मेरा यहीं का दिखेगा। और मेरे साथ कौन आया दिखाऊं? ये मेरा एक चांद मेरे साथ आया है और मेरा एक चांद घर में रख के आई हूँ। मेरा बच्चा ना माहम वो घर पर है और मेरा पीयू को लेकर आया। अभी ये दोनों लड़ने लगे इसलिए इनको अलग अलग लड़ रहे, तो माहम भी आता साथ में, पर ऐसा नहीं है कि माहम नहीं आएगा। 2 दिन ये यहाँ रहेगा, फिर 2 दिन के बाद ये जाएगा घर और माहम आएगा यहाँ पर, क्योंकि माहम को लाऊंगी, 2 दिन बाद इसको घर भेज दूंगी। क्या है तो इसीलिए ना मैं पीयू को छोड़ू, क्योंकि 7 दिन बहुत होते हैं। मेरा बच्चा माहम है ना, वो एकदम हो जाएगा। खैर वो आयान तो जाते आते रहेगा, अभी भी आयान को घर भेजी हूँ कि चिकन विकन लेके। मैं व्लॉग बना रही हूँ अमीना, तो मैं चिकन दे के आना और फ्रिज में रख के आना, ताकि कभी भी जाएगा बीच बीच में। और चाबी भी मैं छोड़ दूंगी वहाँ पे, ताकि अम्मी भी कभी जाए नूर के घर तो माहम को मिल लें और माहम को चिकन विकन दे दो कोई भी टाइम पे, क्योंकि बच्चा मेरा मिस करेगा हम लोगों को ना। हम लोग नहीं रहते, लोग खाना पीना छोड़ देते हैं, हम लोग सामने रहते तो हमारे साथ बैठते उठते खाते पीते, देखे हो आपने मेरे ब्लॉग में। तो यहाँ चलिए, मैं आई हूँ, काफी देर हो गया मेरे को आए, उन्हें नाश्ता वाश्ता भी कर लिया, पोहा बना के रखे थे मम्मी, तो बस अब तो खाना नहीं खाना है, पेट भर गया। अब सीधा शाम को कुछ देखेंगे, नाश्ता हल्का फुल्का। नरगिस और अलीम भाई आते तो मैं जा रही हूँ कॉलेज। हाँ, अयान के टीचर का फोन आया था, फरीन मैम का, कि जाके थोड़ा वहाँ की इंक्वायरी करो क्या है सीट वगैरह का और क्या प्रोसीजर है वहाँ का, और मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट वगैरह जो भी है सब पता करके कल आओ मेरे से मिलने के लिए। तो कल जाऊंगी, अभी जाऊंगी कॉलेज अलीम भाई के साथ, फिर वहां से आने के बाद मैं जाऊंगी कल कॉलेज, कल स्कूल जाऊंगी फरीन मैम के पास। तो अमीना और अयान का ट्यूशन चालू होगा 2-4 दिन से, लूंगी परमिशन कि मैं नेक्स्ट वीक से भेजूंगी, क्योंकि ये वीक तो मैं यहीं रहूंगी मम्मी के इधर। यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ से तो और स्ट्रेट है, मेरे इधर से थोड़ा सा इधर मुड़ो उधर मुड़ो है, बाकी यहाँ से स्ट्रेट ही है, चले जाएंगे बच्चे बस से, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये था मेरा अभी तक का अपडेट। इसके पापा भी पहुंच ही गए होंगे ऑलमोस्ट, शायद से पहुंच गए होंगे या फिर ऑलमोस्ट पहुंचने वाले होंगे अमरावती।
तो अभी तक उनसे बात नहीं हुई है, तो मैं कैमरा रखती हूँ और उनसे बात करने की कोशिश करती हूँ, शायद वो उठा ले मेरा फोन, क्योंकि वो कार से गए हैं तो पहुंच ही गए होंगे, मगर पहुंच के एकदम से काम स्टार्ट करेंगे उन लोग, और ये लंच टाइम होने का है, लंच टाइम में वो मुझे बात करेंगे, तो मैं सोच रही हूँ करूँ नहीं करूँ, एक बार ट्राई करके देखती हूँ फोन, और आपको मिलती हूँ मैं। नरगिस और अलीम आएंगे ना जब, आज नरगिस और अलीम भाई का एनिवर्सरी है, मैरिज एनिवर्सरी, तो दोनों को हैप्पी 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 वाली एनिवर्सरी, और गॉड ब्लेस यू बोथ, एंड जल्दी जल्दी अल्लाह पाक मीठे मीठे चांद का टुकड़ा या चांदनी दे दे, या दोनों ही दे दे एक साथ, अल्लाह करे। आप लोग सब प्लीज दुआ कीजिएगा दोनों के लिए, और खूब सारी दुआएं दीजिएगा। चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर से। चलो तो फ्रेंड्स, अलीम भाई और नरगिस आ गए, हैप्पी एनिवर्सरी दोनों को। फिर से बोल। वी आर गोइंग फॉर पार्टी। ऐसी छोटी वाली पार्टी के लिए जा रहे हैं, असली पार्टी तो रात में होगी। इसको छोड़ के मैं तो साथ में रहूंगी, मेरे लिए पार्टी रहेगी। और अभी हम जा रहे हैं आयान के कॉलेज का थोड़ा सा इंक्वायरी करने, अगर फॉर्म मिल गया तो ले लेंगे वहीं की वहीं। तो चलिए मैं इन लोगों को लेके जा रही हूँ, क्योंकि मेरे को इतना आइडिया नहीं बैठा, तो मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं सरस्वती इंस्टीट्यूट, देखिए जा रहे हैं आगे आगे, अलीम भाई ऑफिस का पता लगाना है, और नरगिस पीछे पीछे देखते हो जाए उनका एडमिशन। अच्छा, अमीना तो वहीं पढ़े पढ़ने वाली है, तो मैं रिकॉर्डिंग चालू रखूंगी, मैं अगर ऊपर कैमरा नहीं करूँगी। हाँ, दिखाई ना मैंने, तो काफ़ी बड़ा है कॉलेज, उधर एक बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है, इसके बाजू में भी वो भी बिल्डिंग है, ये दिख रहा, ये भी है, ये भी है, इसके पीछे भी है स्कूल, और ये भी है। तो चलिए मिलती हूँ। फिर ये बिल्डिंग में नहीं है, फिर दूसरी बिल्डिंग में जाना है हमको। चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये एक बिल्डिंग है, वो एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग से हम आए, और ये स्कूल है, यहाँ पे जाना है हमको। देखो सामने से हम लोग पीछे गए, यही ऑफिस है, फॉर्म पूछते। सब्सक्राइबर मुझे पहली बार मिले, से हेलो। हेलो। आपका नाम? एक्स क्रॉस। आपने मुझे कमेंट करे थे शायद से, है ना? हाँ, याद है मुझे। आप नर्सी तो मुंबई में रहते हैं? अच्छा अच्छा, ये भी जा रहे हैं रात में। आप यहाँ कहाँ आए थे? बिल्कुल नहीं आए। अच्छा अच्छा, यहाँ पे कोई रहते हैं? अच्छा अच्छा, बहुत खुश हुई आप लोग से मिल के। मैं ना बहुत दुआ करती हूँ मेरे को भी कोई मिले और बोले आप ब्लॉगर हो ना, देखा फर्स्ट टाइम मिले। थैंक यू। लगा आयान के दोस्त है। मैं रैपर हूँ। हाँ, आपका है चैनल? ये अभी स्टूडियो नहीं ना। अच्छा अच्छा, टाइम। अच्छा अच्छा, और तो हम लोग आए थे यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक लेने, और इतनी अच्छी हैप्पी मिली, हैप्पी हैप्पी मेरे को गुड न्यूज मिली यार। तो भाई मेरे को करेंगे कैसे चलेगा, मैं ये बच्चे को जबरदस्ती सब्सक्राइब करूंगी। चलो देखो आप में हमारा सब्सक्राइब सब्सक्राइब किए आपने फ्रेंडों को बोलिएगा, ठीक है? चलिए अल्लाह। वो बोल रहा था, अरे अस्सलाम वालेकुम, नरल वालेकुम अस्सलाम। तो मैंने ये बोलते ये, और मैं ना उसको देख रही कि आयान का फ्रेंड है क्या करके, तो वो बोलता है आप फरीदा नागपुर ब्लॉगर, तो मैंने ली हाँ, तो मैंने ली अरे पहला सब्सक्राइबर, तो मैंने ली आप मेरे को देखते हो, तो बोलता हाँ, अरे ली अरे पहला सब्सक्राइब दे नरगिस की जल्दी से कैमरा चालू कर। फिर शेक हैंड वगैरह करा, मुंबई से आया हो यहाँ खाला के दर, अभी उसको उसके मामू लेने आए,
बोलता मैं भी रैपर हूँ, बोले मेरे लिए आपका चैनल है, तो बोलता नहीं बनाऊंगा, मेरा स्टूडियो वगैरह नहीं है ना, स्टूडियो रहेगा जब बनाऊंगा। मैंने ली थैंक यू और भी बोला किसी को, और फिर दुकान वाला बच्चा था ना उसको भी बोली बेटा आप नहीं देखते मेरे को, तो क्या बोलता नहीं दे दो आप मेरे को आपका वो चैनल का नाम, मैंने उसके फोन में सब्सक्राइब करी, बोलता ठीक है मैं अब देखूंगा। मैंने ली हाँ और ना और भी लोगों को बता रहा, नरगिस ने भी बोली, बोलता ठीक है। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने शाम में खाना खाया तब 5:30 बजे, तो फिर खाना नहीं खा रहे हम लोग, मम्मी ने बाजार से समोसे लेकर आए थे, हम लोग ने वो खा लिए, और अब हम मैंने तो एक नींद मार भी ली जब भी हम लोग बाजार गए थे, जब 11 बजे आए हम समोसा में खा ले बज रहा 12, और मेरे को याद आया कि मैंने ब्लॉग को एंड नहीं किया है, तो ये ब्लॉग में एंड कर से मिल गया अपने ब्लॉग के साथ कल सुबह। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना, और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करना ताकि मेरे ब्लॉग्स आप लोगों को मिलते रहे आने वाले। और प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड्स में मेरे ब्लॉग जरूर शेयर करना, और मुझे एक आज सब्सक्राइबर मिला हो बच्चा है मम्मी के मोहल्ले का, और मैं नहीं पहचानती मगर मेरे घर के बच्चे पहचानते हैं। तो मेरे को जब उसने बोला ना कि आप फरीदा ना को ब्लॉगर हो, तो मेरे को इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी। एक वो आयशा के जो शनाज पप्पू है ना उनकी पोती बोलती है, और एक आधे के बच्चे ने बोला। तो यार अपने नाम से कोई पहचाने, अपन कुछ चीज़ शुरू करते हैं तो बड़ी खुशी होती है, तो मुझे भी बहुत खुशी हुई। और वो बच्चे को मैं एक बार और थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि वो नाम वही बोलेगा जो मेरे ब्लॉग देखता है, ठीक है। और बाकी तो अयान की मम्मी के नाम से मेरे को यहाँ पर पहचानते, या निम्मी की बुआ के नाम से, तो मेरे को बहुत खुशी हुई, थैंक यू बेटा एक बार और। और एक वो बच्चा जिसके पास हम लोग मिले, जिसकी शॉप पे पोल्ट्री की ले रही थी, तो बच्चे को भी मैंने बोली आपने देखेंगे बेटा मेरा ब्लॉग, तो उसने भी सब्सक्राइब किया है। तो जितने भी सब्सक्राइबर है उन सबको मेरे तरफ से थैंक यू, आपकी वजह से मैं आगे बढ़ रही हूँ, और ऐसे ही और आगे बढ़ाइए प्लीज़ मेरे वीडियोस को, मेरे ब्लॉग्स को शेयर करके, और वॉच कीजिए और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं आपको कल नए ब्लॉग के साथ, टिल देन अल्लाह हाफिज़।